हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे सुपर लोगी चैनल में। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन बटन को प्रेस करें मेरी आने वाली प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको गर्भ में लड़का होने पर 5 बड़े बदलावों की बात करेंगे, जो कि ये जो सिम्टम्स हैं सिर्फ और सिर्फ लड़का होने के टाइम पर ही आपको दिखाई देंगे। अगर आपकी पहले डिलीवरी हो चुकी है और गर्ल है तो आप इन सिम्टम्स में और उनमें आपको खुद ही फ़र्क नज़र आएगा। क्या बड़े बदलाव हैं जो कि हमारी 90 साल की बुजुर्ग दादी ने हमें बताए हुए हैं। तो दोस्तों, इनमें से अगर आपको 3 भी सही निकलते हैं तो ये 100% सही साबित होते हैं लड़का होने पर, और काफ़ी सारी महिलाओं के साथ ये सही भी साबित हुए हैं। लेकिन सबकी हार्मोन्स की वजह से सबके अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कौन से ऐसे 5 बड़े बदलाव हैं जिनकी आज हम बात करने वाले हैं और आप जानने वाले हो। दोस्तों, सबसे पहला, आपको अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको थर्ड मंथ चल गया है, जी हाँ, थर्ड मंथ चल गया है और आपका पेट थर्ड मंथ से एकदम निकलना शुरू हो गया है। दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं और कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ मंथ पे ही बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही अगर थर्ड मंथ लगा है और आपका एकदम टमी निकलने लग गया है, भारीपन आपको दिखने लग गया है, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। दूसरा सिम्टम्स है दोस्तों हमारा, बहुत ही सटीक है। अगर आपको आपका जो बेबी है वो हलचल करने लग गया है, वो भी 5वें मंथ पर, अगर आपके बेबी ने 3रे मंथ पर हलचल करना शुरू किया है तो ये बेटी होने के लक्षण माना जाता है। दोस्तों, अगर आपका जो बच्चा है वो 5वें महीने पर मूवमेंट करता है, उससे पहले नहीं करता है, 5 से 5.5 भी हो जाते हैं दोस्तों, तो ये पक्की निशानी है, 95% चांस होते हैं लड़का होने के। दोस्तों, ये मेरे ऊपर बिल्कुल सही साबित हुई थी, 5वें महीने पर, 5.5 महीने पर लड़का ही मूवमेंट हलचल करना शुरू करता है और 3 महीने पर लड़की करना शुरू कर देती है, क्योंकि लड़की जो होती है काफ़ी एक्टिव होती है और लड़का जो होता है वो थोड़ा सा लेजी टाइप में होता है, आलसी होता है, तो इसलिए। तो दोस्तों, अगले लक्षण की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको नींद बहुत कम आ रही है, आपको नींद नहीं आती है बिल्कुल भी और बेचैनी भी नहीं रहती है और कुछ ही घंटे आप सो पाती हैं, रात में भी अच्छे से नींद नहीं ले पा रही हैं, दिन में भी नहीं ले पा रही हैं, लेकिन आपको फिर भी चिड़चिड़ापन नहीं रहता है, काम में आपका मन लगा रहता है और बेफालतू के काम करने लग जाती हैं, बैठे बैठे एक फुर्ती सी रहती है, एक खुशी सी रहती है दोस्तों मन में, तो ये एक बेटा होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों, ये मेरे ऊपर 100% सही साबित हुआ था और काफ़ी सारी महिलाओं में ये लक्षण सही ही साबित होता है। तो दोस्तों, अगला जो लक्षण है, अगर आपको पहले बैंगन खाना पसंद नहीं था दोस्तों, तो बैंगन खाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है आपको खाने में, कि आपको बैंगन आपकी फेवरेट बन गया है। दोस्तों, आप सब्जी बनाकर खा रहे हैं, भुर्ता बनाकर खा रहे हैं, किसी में भी आपको बैंगन पसंद आ रहा है, तो ये एक लड़का होने का चांस माना जाता है। ये लड़का होने के टाइम पर ही आपको खाने में ये चीज़ आपको दिखेगी। तो दोस्तों, अगले लक्षण की बात कर लेते हैं। अगला लक्षण हमारा बहुत ही सटीक है दोस्तों, वो है अगर आपको खाने में पहले आलू पसंद नहीं थे, कढ़ी चावल पसंद नहीं थे, दोस्तों अब आपको पसंद आती है ये चीज़ें, आपको आलू बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और दोस्तों दाल में से आपको बदबू आती है, चने की दाल में से, तो ये लड़का होने का सिम्टम्स माना जाता है।